नमस्कार, मैं सतीश शर्मा जाफराबादी, आप देख रहे हैं जागो हिंदुस्तान। जेवर एयरपोर्ट के दूसरे चरण के लिए जमीन अधिग्रहण की प्रक्रिया शुरू होने वाली है। जमीन अधिग्रहण से पहले जिला प्रशासन को किसानों से सहमति लेनी है और इस सहमति के लिए तारीख नियत कर दी गई है, लेकिन इस नियत तारीख से पहले ही जिला प्रशासन की राजस्व टीम गाँव में कैंप किए हुए है और ये टीम किसानों से सहमति पत्र भरवा रही है। किसान इसका विरोध कर रहे हैं। जेवर एयरपोर्ट के लिए कुछ किसान विरोध कर रहे हैं जमीन देने के लिए, तो कुछ लोग अपने गांव के विस्थापन का विरोध कर रहे हैं। गांव में पंचायतें हो रही हैं, इसका विरोध हो रहा है, लेकिन प्रशासन भी गांव वालों से कम नहीं है। राजस्व टीम गाँव में जा रही है और गाँव वालों से सहमति पत्र भरवा रही है। किसानों का आरोप यह है कि जब तारीख पहले से मुकर्रर की गई है 7, 8 और 10 जनवरी, तो जनवरी से पहले ही इन गांव में राजस्व टीम क्यों भेजी जा रही है। किसानों ने राजस्व टीम से गांव में जाकर के संवाद किया है और इस कार्य को अनैतिक और गलत बताया है। उनका कहना है कि डीएम के आदेशों की राजस्व टीम के कर्मचारी धज्जियां उड़ा रहे हैं। किस तरह किसानों और राजस्व टीम के कर्मचारियों के साथ संवाद हुआ है गांव में। 1 तारीख से 10 तारीख प्रक्रिया तो उस डेट के बाद ही शुरू करें। यहाँ से कर्मचारी बनाते हैं तो डीएम कहते तो जानो पड़ेगा। न क्या करने के लिए आए ये बताओ, सहमति के लिए जिलाधिकारी साहब ने अगर जब टाइम दे दिया है तो उससे पहले क्यों सहमति के लिए आए आप लोग? सर टाइम दिया उन्होंने साथ भाई, बाकी चुप रहो। 7 तारीख वो अलग चीज है, बैठने के लिए टाइम दिया साहब के आदेश है, वो 10 तारीख सात आठ और 10 तारीख जब सहमति के लिए किसानों से के लिए जिलाधिकारी गौतम बुद्ध नगर जी ने प्रकाशित कराई है और उन्होंने अपना एक आदेश पारित किया है, तो उसके पहले मतलब हमारे साथ में क्यों हम किसानों को प्रताड़ित किया जाए और क्यों बहकाया जाए, क्यों भेजा गया है, ये हम कहना चाहते हैं आपसे और कुछ नहीं। तो क्यों साथ ये कानून का उल्लंघन है, चूंकि जिलाधिकारी कानून के मालिक हैं, जिले के मालिक हैं और कानून का उल्लंघन हुए, स्वयं उनके आदेश का कानून का उल्लंघन हो रहा है जो न्याय संगत नहीं है। आप लोग उससे पहले बैठे, आज डेट क्या है, 1 तारीख है, आज 1 जनवरी है, नहीं 1 जनवरी है और आप लोग है कहीं यहाँ 1 जनवरी में बैठे हैं, अभी 6 दिन बकाया है, 7 तारीख इस गांव की है और मतलब ये उससे पहले ये तो कई रोज से आ रहे हैं ना जी है? कई रोज से आ रहे हैं, 3-4 रोज से आ रहे हैं, 4-5 दिन हो गए, 4-5 दिन हो गए। सहमति कानून प्रक्रिया है, एक कानूनी प्रक्रिया। और हम ये कहना चाहेंगे आपके माध्यम से, आप जब यहाँ आए तो आप ये कहिएगा, हम ये कहना चाहेंगे कि बाजार दर पर ये हमारे साथ, हम ग्रामीण थे, आज भी हम ग्रामीण में हैं, शासन ने हमें ग्रामीण माना है, अवार्ड सप्लीमेंट्री अवार्ड बनाया है 18 मई 2020 में, हुए सप्लीमेंट अवार्ड से हम ग्रामीण हैं। जेवर एयरपोर्ट के दूसरे चरण के लिए 6 गांव की 1365 हेक्टेयर जमीन का अधिग्रहण होगा। इसमें 180 हेक्टेयर सरकारी जमीन है और 1185 हेक्टेयर किसानों की जमीन का अधिग्रहण होगा। मुडरह की 53 हेक्टेयर, बीरमपुर की 59, करौली बांगर की 173, जानतपुर की 150 और रनहेरा की 521 हेक्टेयर जमीन का अधिग्रहण होगा। किसानों की सहमति ली जानी है जमीन अधिग्रहण से पहले, इसके लिए प्रशासन ने 22 दिसंबर को गांव में सूचना चस्पा की थी। जिलाधिकारी कार्यालय से जारी की गई इस सार्वजनिक सूचना में 7 जनवरी को मुडरह और नगरा करौली में, 8 जनवरी को बीरमपुर और रनहेरा में और 10 जनवरी को दयानतपुर और कुरैब के ग्रामीणों से एयरपोर्ट के दूसरे चरण के लिए जमीन अधिग्रहण की सहमति लेनी थी, लेकिन जिलाधिकारी कार्यालय के ये आदेश कर्मचारियों ने ठेंगे पर दिखा दिए हैं। इससे पहले ही गांव में राजस्व टीम किसानों से सहमति मांग रही है और सहमति पत्र जमा कर रही है। किसान इसका विरोध कर रहे हैं, मामला प्रधानमंत्री कार्यालय तक जा पहुंचा है। किसानों ने प्रधानमंत्री कार्यालय से इस बाबत शिकायत भेजी है। कितने लोगों ने भर दी है ये भी जरा आपने देखा और सुना किस
तरह गांव में सहमति पत्र किसानों से राजस्व कर्मचारी भरवा रहे हैं। इस संबंध में भले ही कोई अधिकारी कुछ कहने को तैयार नहीं हो, लेकिन ये जो राजस्व टीम की जो सदस्य हैं वह साफ और स्पष्ट कह रहे हैं कि उन्हें तो अधिकारियों का आदेश मिला है 10 जनवरी तक गांव में ही रहने का। क्या कह रहे हैं राजस्व टीम के अधिकारी, आइए आप ही सुने। 1 तारीख से 10 तारीख रनहेरा गांव के लोगों ने तो एसआईए के सर्वे और उसकी रिपोर्ट को शासन में भेजे जाने पर ही सवाल खड़े कर दिए हैं। एसआईए टीम के एक सदस्य रनहेरा गांव के हैं, उन्होंने क्या कहा है? उनका कहना यह है कि उनके दस्तखत ही नहीं कराए गए और सही बात को लिख करके शासन को नहीं भेजा गया। इनका आरोप यह भी है कि जो सही बात है, मौके की स्थिति है, जो किसानों की मांग है, उसे प्रशासनिक अधिकारी शासन तक नहीं पहुंचा रहे। क्या कहा है एसआईए टीम के इस सदस्य ने, आइए आप ही सुने। चीज उसमें नहीं लिखने थी, प्रायोजित तरीके से दस्तखत करके सतीश कुमार है जो इग्नो के उपप्रोफेसर है, वो उस कमेटी के चेयरमैन थे, उनसे सिग्नेचर से दस्तखत कर पाए, ऐसी रिपोर्ट चलेगी फर्जी, एकदम फर्जी। मतलब धोखाधड़ी की एक लिमिट है काम में, और ये पहली भी ऐसे ही दोनों ऐसी ये लिखने नहीं दे रहे थे, फोटो कर लो, इनकी तो नियत ही नहीं है। पहले नियत तो हो, ऊपर तक बात पहुंचे, ऊपर तक बात नहीं पहुंचने दे रहे। अब देखिए ये भी धोखाधड़ी है, जब वाकायदा 7 तारीख का ये किया हुआ है, केपी सिंह है गाँव में रहने का, ये जो आप मांग पत्र की बात कर रहे हैं, एक बार नहीं 10 बार एडीएम एलए के बाकायदे रिसिप्ट है हमारे पास में, कहीं पे कोई इवन एसआईए की जो रिपोर्ट बनी, एसआईए की रिपोर्ट का जो एक एक्सपर्ट ग्रुप बना, मैं उसका मेंबर भी, मैं उसका मेंबर था, एक चीज उसमें नहीं लिखने थी। तो आपने देखा किस तरह प्रशासनिक अधिकारी गाँव में जाकर किसानों से समय से पूर्व ही जमीन अधिग्रहण के लिए सहमति लेने का प्रयास कर रहे हैं। अब देखना यह है कि 7, 8 और 10 जनवरी को गांव में किसान किस तरह से अपनी सहमति देते हैं या प्रशासनिक अधिकारियों की कुनीतियों का विरोध करते हैं। आप देख रहे हैं जागो हिंदुस्तान। लगातार जेवर एयरपोर्ट, फिल्म सिटी, यमुना विकास प्राधिकरण और आसपास के डेवलपमेंट की खबरों पर आप रखते हैं ध्यान, तो लगातार देखते रहिए जागो हिंदुस्तान। में सतीश शर्मा जाफराबादी, नमस्कार।